कि जनता का राज मतलब हुआ कि जनता के लिए जनता द्वारा और जनता का राज है। अगर इसका टेस्ट करना है तो जनता का एक आदमी आप उठा लो, वो कहे कि हाँ मैं जनता मैं राजा जैसा महसूस करता हूँ, ये टेस्ट है। अगर जनता का राजा तो जनता का एक आदमी कहे ना मैं राजा जैसा महसूस, राजा जैसा महसूस करने का मतलब है कि वो देखे पुलिस को लगी हमारी पुलिस हमारे लिए है, न्यायालय हमारे लिए है, ये सब हमारी सेवा के लिए है। आज आपको महसूस होता है एक इंडिया का आदमी ला के बता दीजिए जो बोली थी ये हमारा न्यायालय है, ये हमारा न्याय के देगा। अरे आप तो लोग सोचते वहाँ जाओ मत, लोग सोचते ये कहावत आ गई न्यायालय जाओ मत। आप थोड़ा सा इसमें फोकस कीजिए जो आपने काम किया आर्थिक व्यवस्था पर, उसमें हमारा प्राउड कहता है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए आर्थिक आज़ादी के लिए, यानी उसका अर्थ ये है। योगेंद्र यादव जी ने हमसे जब उनकी सरकार बनी उन्होंने प्रश्न किया कि आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से क्या मतलब है, तो हमने कहा आप जिसको आम आदमी कहते हो वो आम आदमी उस जगह का स्थानीय सत्ता का कंट्रोलर होना चाहिए, उसके पास आपने स्वराज की बात कहा तो उसका कंट्रोलर होना चाहिए, यानी वहाँ का इकोनॉमी का कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए, यानी कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ दैट लोकल पर्सन दैट आम आदमी, उसके हाथ में कंट्रोल तो है नहीं। आप तो बाहर से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही और वो कंपनी लगाती है प्रॉफिट भी ले जाता है, जमीन भी खरीद लेता है। भूमि अधिग्रहण कानून में अब तो जो 2013 के अमेंडमेंट के बाद अब जो कानून बनी है उस कानून में तो अब सरकार को पूछने की भी जरूरत नहीं, पहले 80% लोगों को पूछने की आवश्यकता थी, अब पूछने की भी जरूरत नहीं। तो अब कहाँ स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब सरकार जिसको कह रहे हैं सरकार तो पार्टी की है ना, जनता की तो है नहीं, वो ले लेगा। आप पहले जनता की सरकार बना के देखिए फिर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा कि उसको कहाँ कंट्रोल लेना है कहाँ नहीं। अगर आप जनता की सरकार मैं बता रहा हूँ पार्टी के बिना कैसे बनेगी, जैसे आप तो परिवार डेमोक्रेसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, आप समझ लो कि एक परिवार है पंद्रह लोग, अगर पंद्रह लोग कैसे चलता है सब परिवार में हक है ना, परिवार है ना, आप कुछ ये है क्या प्रजा है, पिताजी का प्रजा है क्या बाकी लोग नहीं ना, पिताजी है माता जी है ये है परिवार है। 135 करोड़ का एक परिवार, अब 135 करोड़ का एक परिवार है कौन राजा हो गया, राजा तो है परिवार है और एक एक सबका रोल है, कोई एक प्रजा का रोल करेगा, कोई भाई का रोल करेगा, कुछ लोग सेवक का रोल कर रहे हैं, बच्चे हैं किसी को हमको संभालना है, बुजुर्ग को हमको भोजन करना पड़ता है। अभी अगर परिवार करके जब सोचेंगे तो आपको आर्थिक व्यवस्था दिखाई देगी। मैं इसे सहमत नहीं हूँ कि लोकल मतलब लोकल पार्टी को पावर दो, लोकल पार्टी को पावर देने क्या मतलब हो गया, 135 करोड़ जब एक ही परिवार है तो हो सकता है कि एक हेड कमा रहा हो कहीं पे पूरे परिवार को पेट पाल दे। जो काम करने वाले काम देते हैं, जिसको इंजीनियरिंग आती है इंजीनियरिंग चला जाता है, आप उसको परिवार का भी क्यों नहीं सोच पा रहे, आप कहते हो प्रजा है जनता के लिए करना, अरे वो जनता ही तो राजा है, आप क्या करेंगे, जनता अपना खुद करेगी ना, जनता को आप राजी नहीं देना चाहते, आप तो बोलते हैं पार्टी है हमारी बहुत बड़ी, ये तो छोड़ दे दो। आप इस तरह से देखिए इकाई लेवल पे ये देश है, इकाई लेवल पे देश नहीं है, पूरा विश्व परिवार है, विश्व परिवार आपका एक परिवार है, आपका एक परिवार 15 लोग का, उसमें कौन सी इकाई हुई, उसमें यही कुछ बच्चे हैं कुछ बूढ़े हैं, आपको पालना रहता है, यही परिवार 135 करोड़ का 135 हो गया पूरा विश्व क्यों नहीं, तो वहाँ कहाँ के इलेक्शन, परिवार में इलेक्शन होता है, आप परिवार तभी होगी जनता की सरकार, अब आप जानो इलेक्शन करने के लिए आपको परिवार में इलेक्शन होता है, मुखिया कौन ये कौन जरूरत क्या मुखिया की, अरे पिताजी होता है पिताजी उसके बच्चे होते हैं माता होती है दादी होती है ऐसी सब समझो ना, इसमें इलेक्शन नहीं जरूरत है, ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का आपने बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझा दिया, आप इलेक्शन कर सकते हो लेकिन इलेक्शन तो थोड़ी देर में बताते वो पार्टी की जरूरत नहीं है, मतलब पार्टी उम्मीद पार्टी तो अच्छा सरकार बन जाएगी, योगी जी की सरकार बन जाएगी, कल आप अपना एक पार्टी बना लो फिर अपना मत सबके ऊपर डालो फिर सबको फ्लैट करोगे उसमें पैसे का लफड़ा होगा, पार्टी चाहिए क्यों, परिवार में पार्टी होती क्या, पहले एक परिवार 135
अगर 15 का परिवार होने का तो 35 परिवार हो सकता है। जब परिवार आ जाएगा तब देखेंगे ये बुजुर्ग है, ये पिताजी है, ये हमारे बच्चे, इसको दूध हम देसी गाय का पिलाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे गाँव में देसी गाय स्पेशल आती थी कि भाई क्या हमारे यहाँ बच्चे देसी गाय दूध पिलाता था। आज कौन सा दूध पी रहे हो? सिंथेटिक यूरिया मिला हुआ, क्यों? इसमें पार्टी करा। आप अपने परिवार में दारू प्रमोट करोगे? आप कहोगे बच्चों को आज दारू पियो, हम आप परिवार नहीं समझ रहे, क्योंकि सरकार दूसरा वादा बना के बैठा है, दारू पिछवा मिलावट भी करवा रहे, उसके कमीशन भी खा रहे, आप कमीशन कहाँ बताइए कमीशन नहीं। आप जो बात कर रहे हो वसुधैव का कॉन्सेप्ट करवा रहे, बात का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वही सत्य है। आपने वसुधैव कुटुंबकम का शुरू करते सही है, आपने बिगाड़ दिया उसको। आप उनको बोल रहे वसुधैव कुटुंबकम तुम जाने दो, ये तुम्हारा पार्टी तुम्हारे राजा है, ये यहाँ का राजा राजा हो गया, ये फलनवा है, चलो नमस्कार करो जैसा जी आ गए। अरे ये तो आप कर दिए ना, वो तो ऑलरेडी कुटुंब है, आपकी तारीफ हो जाएगा। जैसे अभी हमारे 15 लोग का कुटुंब है, एक आदमी उसमें आ गया तीर को फोड़ दे, ये तो चचवा का लड़का था, ये तो दूसरी माँ का लड़का है, हो जाता है परिवार अलग अलग। जब आप परिवार अलग कर दिए तो युद्ध भी होगा। तो आप एक ही काम करो, जनता का राज बना दो। जनता का जिस दिन एक आदमी बोलेगा मैं राजा जैसा महसूस करना हूँ, वही अपना ट्रायल, मतलब जब आप इलेक्शन के लिए आप इलेक्ट जब करने जाते हैं तो जनता एक वोट देती है, कुछ देती है ना। तो जैसे हमारे बीच में कंट्रैक्ट है, मैं आपको 10 रुपया दूंगा, साहब बोले मैं ये चीज़ आपको दूंगा, ये कंट्रैक्ट, अगर चीज़ खराब हो गई तो कंट्रैक्ट के अंदर, तो जनता एक कंट्रैक्ट बनाए ना। तो देखो भाई मैं तो एक वोट दूंगा, लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा हमारी चीज़, तब तो वोट दूंगा नहीं बोले। जैसे मैंने डाला कि अगर अपना जो प्रतिनिधि हो जनता का वो बोलेगा, वो बोलता है ना मैं क्या करूँगा, ये मैं बड़ा देशभक्त हूँ, मैं खून बहा दूंगा खून। हमने उसको बोला एक काम करो भाई, एक ओपिनियन बनाओ, उसमें लिखो कि चुनाव जीतने के बाद आप अपने नाम पे संपत्ति नहीं बनाएंगे, जब तक पद पे हैं वो लिख के दे दो, दूसरा दे दो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, आप सदा जनता का ही प्रतिनिधि बने रहेंगे, और दो तीन चीज़ें और हैं ये जनता उनको बोले जो लोग खड़े हों, क्योंकि जनता करे हम आपको रोते कैंडिडेट खड़े करते कि हमारे का टिकट खड़ा कर दिए पैसा लेकर, उसको 4 करोड़ लेंगे, उसको 5 करोड़ लेंगे, और आप खड़ा करवा रहे हैं। जनता अगर ये 2-3 शर्त लगा दे और बोले भाई जो भी वोट मांगने आए एफिडेविट दिखाओ, हम कंट्रैक्ट बनाएंगे आपके साथ, हमारा आपका कंट्रैक्ट, हमारी वोट लेके जाओ और ये 2 चीज मान लो, तो ऐसा भी एक दिन आ जाएगा जो लोग पार्टी जाएंगे वो तो बना के देंगे, तो कमाने के लिए जाते हैं ना। तो 4 करोड़ आदमी टिकट लिया, आप कितना निकालोगे उसमें से? आपको पड़ा हुआ है ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर शो करता हूँ प्राउड स्ट्रक्चर का, उसमें आप अपना जो रिसर्च है आपका दोनों कनेक्ट कीजिए। हमने जो स्ट्रक्चर है वो लीडरशिप लाने का, लीडरशिप क्योंकि हमारा आधार है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर्थिक लोकतंत्र के ही राजनीतिक लोकतंत्र, और आर्थिक लोकतंत्र इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये कहता है कि वो डिसेंट्रलाइज विकेंद्रित हो। लेकिन आप ऐसे बोल कर गए, एक मिनट, आप पहले जनता की सरकार ये नहीं तो विकेंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो पार्टी का राज रहेगा, ये पार्टियां राज करेंगी, अपना हम कुछ बनाए, आप बातें उल्टी हो गई ना, पूरा सुन लीजिए, आप बताइए जो आप जवाब देना पूरा सुनेंगे तब समझना कि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कि हम कह रहे हैं जो अर्थव्यवस्था है वो विकेंद्रित होगी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था केंद्रित होगी, वो पूरे एक समाज का होगा जिसमें जो चुनने वाले व्यक्ति हों परिवार की तरह सब मिलकर काम करें। लेकिन क्योंकि हर बच्चे का परिवार में हर व्यक्ति का हर सदस्य का अपने विचारों की स्वतंत्रता होती है और सब एक दूसरे को समझते हैं, इसी प्रकार कोई उसको थोपता नहीं उसके ऊपर, सबकी समझदारी एक दूसरे तालमेल होती है, उसी तरह यहाँ विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए है कि आपका गांव में जो मान लीजिए नेचुरल रिसोर्स है, अब हमने यहाँ से एक कमीशन बना दिया, योजना बना दिया पंचवर्षीय योजना,
और योजना बना के कहा कि आपके गांव में हम अभी उस खनिज पर या उस जो भी उत्पादन होता है हम एक उद्योग लगाएंगे और गांव वालों से पूछा जाएगा, यानी कि उस परिवार के आपके परिवार की बात किसने नहीं पूछा, पार्टी की सरकार ने पार्टी की सरकार ने नहीं पूछा, अगर जनता की सरकार होगी तो पूछेगा। हां जनता की सरकार होगी तो इसी पे बोल रहा हूं, आप एक बार की स्ट्रक्चर बनाओ ये सोच के चल रहे हो कि बढ़िया है और तब आप सुधार करने जाएंगे। हालात है उसकी वह समझ करके सत्ता में परिवार भाव से प्रेम भाव से अपना मन भाव से आप चूंकि सत्ता में जी लगा रहे हो, जब पार्टी नहीं सरकार है जनता की सरकार तो जनता कर रहे हैं, जनता तो सबको सोच रहे हैं ना। आप पार्टी चल रहे हो, आप अभी ये मान के चल रहे हो कैसी पार्टियां रहती हैं, चोरियां चलती हैं, तो मैं ऐसा क्या काम कर दूं, ऐसा क्या काम कर दूं सबका हित हो जाए, आप ये मान के आइए। लेकिन आप मान रहे हो पार्टी सरकार है, कोई उत्पाद को लागू हो रहा है, हम तो कर रहे हैं पार्टी की बात ही नहीं करते। अगर आप हटा दोगे जिनको चिंता सरकार में आपको विकेंद्रीकरण की जरूरत नहीं है, परिवार का मुखिया अगर अमेरिका में पैसा कमाता है तो इंडिया के परिवार को सबको आता है, आप दिल्ली में जो विकास करोगे उसको मिलेगा, वहाँ वाला दिल्ली वाले लगाओ परिवार है, वहाँ इंडस्ट्री लगाओ चाहे दिल्ली में लगाओ, ऐसा तो वही होगा ना। हर घर में प्रोडक्ट एक बनना चाहिए, सबको नहीं कर रहा, हम विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण नाम की जरूरत क्या बोले, क्योंकि आपकी पार्टी बना इसलिए विकेंद्रीकरण आपके दिमाग में आ रहा है, अगर उसको आप हटा दो तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ यहाँ ये आप समझिए, आप परिवार विकेंद्रीकरण होता है क्या, नहीं ना 15 लोग का परिवार क्या विकेंद्रीकरण। अच्छा ये बताइए हमारा बच्चा गलत करता है, बच्चे की सलाह अगर बोलेगा बच्चा अपनी नई विचार दे रहा हूँ पूछना है बोलना है, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, आप कंट्रोल में रखते हैं, सुनिए सुनिए, मैं यहाँ मेरा रॉ मटेरियल जो होता है परिवार का रॉ मटेरियल है, आप तो हर चीज हर सत्ता को पकड़ रहे हैं, मैं यहाँ अर्थ की बात कर रहा हूँ, समाज आप राजनीति की बात, अर्थ की बात तभी करिए जब आप मान लो जनता की सरकार बनी हुई है, हम जनता ये कल्पना करके ही बताइएगा। देखिए वही हम आपकी हाइपोथेसिस को मान लिए, थोड़ी मान लीजिए तो जनता की सरकार स्थापित कर दी, कैसे होगा वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आपको क्लियर उसके लिए हम बैठे हैं अभी दिल्ली विधानसभा में करने जा रहे हैं जनता की सरकार वो हो जाएगी, हम क्रेटरी आपको बता दिए, आप पार्टियां आएंगी नहीं, बात ये सुनो मैं जो बात पहले पूरा सुन लीजिए क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ मैं कपास मतलब वो गांव में जो लोग रहे हैं माने हमारा परिवार ना, हाँ परिवार दिल्ली में बैठा हूँ तो दिल्ली हमारा गांव वो भी है, मतलब हम मान लीजिए एक गांव में कपास उग रहा है, हम सभी लोग कपास उगा रहे हैं, हम कपास उगा रहे हैं इंडिया में और उसके बाद कपास उगा रहे हैं, आपके हिसाब से कपास का फैक्ट्री वहीं लगेगा कि 1000 किलोमीटर दूर लगेगा, वो हमारा परिवार डिसाइड कर लेगा कौन सा अच्छा है, अगर देखिए आपके हिसाब से रॉ मटेरियल क्या एक्सपोर्ट हो सकता है 1000 किलोमीटर जहाँ पर कच्चा माल होगा वहीं उद्योग लगेगा, किलोमीटर आपको बता रहा हूँ आप बार बार उस बात को मान के बैठे, मैं यहाँ पर ऋषि कुल परंपरा की बात कर रहा हूँ, जिस ऋषि कुल परंपरा में एक ही परिवार और हम उसी परिवार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं
जिसमें हर व्यक्ति की अपनी आर्थिक स्वतंत्रता होती है। एक परिवार है, ये करने की बात है क्या? एक परिवार में आपको कभी तेरी आर्थिक स्वतंत्रता तेरी? अरे भाई हमारी विशेष है, ग्रामीण है, घर में काम कर रहे हो, भी आर्थिक स्वतंत्र है। हम तो कभी मीटिंग नहीं करते घर में, तू आर्थिक स्वतंत्र नहीं है, वो तो मेरे लड़ जाके ले। ये आर्थिक स्वतंत्र बात आप क्यों कर रहे हो? आज देखिए अब आप ये कर रहे हो, आपको अलग अलग लग रहा है। नहीं, आप जिस दिन आप सोच रहे हो कि पूंजीपति बेकार आदमी हमारे परिवार का नहीं है, आप ये वाला हमारे परिवार का नहीं है, ये ऋषि कुल के बाहर हमारे परिवार का नहीं है, ऐसा समझ के जब भेदभाव आता है तभी आप ये बार बार कि सबकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए? अभी नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है पार्टी की जो सरकार है। आपके ऊपर में एक आदमी बैठा हुआ है, वो आपका पैसा लेके भाग रहा है, आरबीआई के लेके भाग रहा है, सीबीआई के लेके सब लेके भाग रहा है। अरे वहाँ सुधार आप विकेंद्रीकरण कर लो, पंचायत राज ला लो, कुछ भी राज ला लो, कुछ नहीं होने वाला। आप एक ही एक भाव दो टुकड़ा दिशो बोलते हैं, सौ सुनार की एक लोहार की, आप सीधा पार्टी को पहुंचाओ। क्योंकि पार्टी देखिए क्या होता है, हम लोग राजतंत्र से निकल और आ रहे हैं सच्चे लोकतंत्र। अभी एक रास्ता है जिसको बोलते हैं नकली लोकतंत्र, और नकली लोकतंत्र आता है जैसे बारिश के पहले एक सूडो मानसून आता है, एक सूडो मानसून की दशा जो 70 साल तक चलती है, इसके आगे असली लोकतंत्र अर्थात जनता का राज, अर्थात जो हम कहते हैं काले चले गोरे चले गए काले आ गए, वो गलत है, गलत हमारे हमारे परिवार का काला पड़ गया है। हमको ये कहना चाहिए राजा गए और पार्टी ऐसा कौन है? और जो लोग पार्टी में कोई बुरे नहीं है, पार्टी बाजी ही गलत चीज है, वो गुटबंदी के नाते पूरे भाई हमको दिखाई दे रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, 18 घंटे देखिए आज उसका अच्छे नेता आज है पार्टी लेते हुए कृषि में, देखो वही नेता इतना बढ़िया काम करेंगे, एक पैसा इधर नहीं होगा। आपने भी उनको जाल में रखा क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा जीतने के लिए थाना बेचेगा, फलाना बेचेगा, इधर ध्यापता मांगेगा, उधर ध्यापता मांगेगा, करके चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते गए फिर बनाए अन्ना हजारे बोलते हैं पूरा करना तो उसमें ये होता है कि जो व्यवस्था है पूरा विश्व को हम परिवर्तन, उसमें भारत एक एक अभिन्न परिवार तो एक क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो जी रहे हैं पूरा दुनिया परिवार होता है, पूरे दुनिया के परिवार में हम कुछ व्यवस्थित करते हैं ना, ज्यादा एक घर है तो पूरा एक बहुत बड़ा विराट परिवार है व्यवस्था को चलाने के लिए। जैसे आप दिल्ली विधानसभा तो एक विधानसभा को तो चुनेंगे ना, वो स्ट्रक्चर हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात, हम पूरे दुनिया में परिवार देखकर एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को हमने सामाजिक आर्थिक इकाई बोला, परिवार का एक फिर से समझ लीजिए। आप जब बैठेंगे तो और हम डिटेल में आपकी स्ट्रक्चर को सुनेंगे, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी सिस्टम का, कि इसमें पूरा दुनिया एक परिवार है, उसमें हम सोशल इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन की है सिर्फ, सब कुछ एक है, पूरे सिस्टम एक है, पूरे सिस्टम एक है, एक ही सत्ता पूरा, उस एक सत्ता में छोटे 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 जैसे आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी प्रकार सोशियो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन सामाजिक आर्थिक इकाई कैसे बना है, जैसे उसको सिस्टम को चलाने के लिए जहाँ पर एक समान की भौगोलिक बनावट है, जहाँ एक समान की आर्थिक समस्या है, एक समान की आर्थिक उसकी संपदा है, और एक समान का लैंग्वेज है, एक समान का कल्चर है, उसको आप एक सोशियो इकोनॉमिक यानी समाज कह सकते हैं, उस समाज को चूंकि उसी व्यवस्था का एक इकाई हुआ एक समाज, उस एक समाज में आप जो वहाँ की डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को ग्लोबली आप प्लान करते हो लेकिन लोकली इम्प्लीमेंट करते हो, यह व्यवस्था को चलाने के लिए सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे,
और एक दूसरे से जुड़ करके यहाँ कोई पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता रहे हैं आप कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं। देखिए आप पूरी बात जब सुनिए, जैसे डायनामिक और जोन नहीं होता है। मैं रहता हूँ गांव में, मैं आता हूँ दिल्ली में, हमारे दिल्ली के पैसा गांव में जा रहा है। दिल्ली के पैसे से इकोनॉमी गांव की मजबूत हो रही है। आप कैसे कर सकते हो दिल्ली का पैसा नहीं भेजे हम वहाँ पे, और अगर हम अमेरिका से कमा रहे हैं हमारा गांव डेवलप हो रहा है तो गांव का अमेरिका तो एक हो गया इकोनॉमी। आप क्या करें गांव का गांव 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 वाला गांव में पगार दे, गांव में रह जाए और गांव के ही पैसे से काम करें। सर बाहर तो पैसा जाता है, आप मना कर देंगे हम कहीं नहीं। तो आप कैसे कहें कि इकाई बनता है? इकाई कैसे बन गया? इकाई कैसे बन गया जब हम दिल्ली का पैसा ले जा सकते हैं, अमेरिका का पैसा वहाँ लगा रहे हैं? इकाई का मतलब देखिए ऐसा है, आप इकाई कह के देखिए ये बड़ा भ्रम है। और इस पर रिसर्च करने के लिए करीब करीब दुनिया की 100-150 यूनिवर्सिटीज में इसकी रिसर्च हो रही है, जिसमें 14 यूनिवर्सिटीज में बात हो रही है। अब आप इसको ऐसे 5 मिनट में बात करके खारिज नहीं कर सकते जब तक आप पूरी वॉल्यूम पर बात नहीं। जिस प्रकार आप एक अथॉरिटी के रूप में आप अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रभात रंजन सरकार ने इस अथॉरिटी को सुभाष चंद्र बोस के साथ और डॉक्टर एम एन रॉय के साथ पहले 1939 में डिस्कस किया, 1959 में इसको स्टार्ट किया इस मूवमेंट को, और इस मूवमेंट का असर ये पड़ा कि इंदिरा गांधी ने पीआर सरकार को जेल में डाल दिया, जहर डाल दिया, जहर दे दिया। आज से तब तक ये आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वावलंबन के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है प्राउड का, वह कार्यक्रम के लिए हम आप और उसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो आप भी मानते हैं कि वह वसुधा कुटुंबकम की भावना वाला व्यक्ति प्रेम के समाज में रहता है, जहाँ पर हम आप भाई हैं, हम आप भाई बहन हैं और भगवान हमारे पिता हैं, तो इसीलिए वह आध्यात्मिक नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है, वह प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार एक मानता है, पूरी दुनिया को परिवार मानता है। यह प्राउड की व्यवस्था है और मैं और आप करीब करीब नजदीक है, सिर्फ हम लोगों की भाषाएं मिल जाएगी और एक दूसरे को समझ जाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्या हो गया और ये इसमें लोग इसमें जो आया ही नहीं है, मैं विश्व में कभी नहीं आया है। अभी आप जो भी सोचेंगे सुधार की बात वही रेफरेंस लेते हो, राजा का राज था, 39 ब्रिटिश था, वो ढंग से सोचे, अभी पार्टियां हैं, अब वो ढंग सुधार सोच रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो ला दिया तो शायद इतना करना पड़ेगा। आप ऐसा है कि आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया है, उसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट भी एक है ना, जैसे कि क्या बता था मेरे कहीं जगह इस जगह की जगह एक झोपड़ी में घर रहते उसमें छेद हो गया होता, बारिश होती, मैं अब बारिश हो रही है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ छतरी लगाएंगे, यहाँ छतरी लगाएंगे, इधर कपड़े सुखा रहे उधर, क्योंकि ये ख्याल ही नहीं है ना झोपड़ी चेंज कर दो यार, अरे झोपड़ी चेंज करके केवल बिल्डिंग में रहते हैं, तो अगर हम बिल्डिंग में रह गए तब समस्या दूर हो गई, कपड़े कहाँ सूखे, अरे कपड़े गीले नहीं हुआ कहाँ लगाएं, बस ये हम भी आप लगाए नहीं है ये वाली बात है। अगर आज आप पार्टी का धर्म सोचोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं आप वही पार्टी में क्यों जा रहे हो, क्योंकि आप ऐसी झोपड़ी में बैठे हो जिसमें चार तरफ छेद है और आपका प्रयत्न सराहनीय है, इसलिए कि कम से कम छेद बंद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ छोड़ो झोपड़ी, ये बिल्डिंग में आ जाओ, बारिश की चिंता नहीं है। ये ग्लोबल मूवमेंट है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आप बात करिए लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की आप बात करो क्यों, आपको दिमाग ला रहे, क्योंकि ये पार्टी तंत्र है। नहीं देखो जब तक आप एक एग्जाम्पल हमने दे दिया आप देश हमने भगवान जाने, देखिए आपको झोपड़ी संभालने के चक्कर में आप दुनिया भर का उखड़वा कर रहे हैं, आपके वही कोने पर जा रहे हैं, आपने कोने पर एक मिनट मेरे महाराज जी बैठे थे, वो महाराज डॉक्टर कृपानंद कृपाशंकर जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपने ये कॉन्सेप्ट को लिखने में कुछ समय तो लगाया होगा, कैसे एक दिन में आपके मन में आ गया? इसको मिला जाता है कॉमन सेंस, जो भी आपके मन में आ जाए ना, आ जाओ कॉमन में आवे, इसको बात करो कॉमन सेंस पे जाइए। कोई सरकार दुनिया में कोई विजडम नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है कॉमन सेंस। सुनिए हम लोग आप कामड़ी आराम से बोलते हैं अपना काम से हटा देते हैं। प्रभात रंजन सरकार ने जब ये प्राउड लिखा था उसने 15 साल की उम्र थी उनकी, और 15 साल की उम्र पे उस जमाने में 1930s में पार्टी नहीं थी। क्या था वहां पे 1930s में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान में रख के उनके दिमाग में कुछ नहीं, वो नहीं है लिखा, ग्लोबल
हृदय कुटुंब का सही मान लिया, लेकिन परिवेश कौन सा था उनका? कोई परिवेश नहीं। देख रहे हैं कि वाला राज कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, पूंजीपति लोग गड़बड़ाने हैं। अच्छा क्या सोचिए, शिव शिव से लेकर कृष्ण से लेकर पूरी इस व्यवस्था को देखा गया है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पूरा देखा गया। ठीक है, लेकिन लिखा किस जमाने में? अर्थव्यवस्था कहाँ लगा रहे थे? ब्रिटिश राज में लगा रहे थे ना? नहीं, ब्रिटिश राज नहीं, बचा के लगा रहे, दुनिया में लगा रहे, पूरी दुनिया। अगर पूरी दुनिया लगा रहे हैं तो कहीं दुनिया में, कहीं फैसला लोग नहीं है क्या? कौन सी दुनिया में है वो जब तक सरकार, मुझे बता दीजिए। पूंजीवाद, फिर मैं मान लूं कि आपकी बात सही है। अच्छा, आप ही बताइए पूंजीवाद क्या होता है, क्या हो रहा है? मेहनत व्यर्थ कब चली जाती है? जब आप कॉमन सेंस में लगे हुए, कॉमन सेंस से झोपड़ी छोड़ो, ये बिल्डिंग बात, तो आपको सारी समस्या खत्म। यहाँ अलग समस्या है, यहाँ अलग समस्या आएगी, ठीक है, लेकिन वो तो नहीं आएगी। आप सुनते हो कुछ भी बड़ी बातें सारी हम कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, फिर ग्राम में इकाई बनाएंगे, ग्राम में सरपंच बना देंगे, तो बड़ा ईमानदार सरपंच को क्या बात करते हैं? प्रधान विभाग इकाई का मतलब क्या हो गया? आप वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, लगाने देगा, खड़ा हो जाएगा कल, आपको जाओ गांव में लगाओ फैक्ट्री, लगाने नहीं देगा। ठीक है, अब ये ऐसी ले रही क्यों? क्योंकि पार्टी तंत्र है, पार्टी जनता तंत्र बनाया, खत्म हो गया, पूंजीपति हो गया, पूंजीपति कहाँ से पैदा हो गया? अभी पूंजीपति आपका आदमी नहीं है, पूंजीपति विदेश आया हुआ है, आपका कमाऊ बेटे को, आप हमारे कमाऊ बेटे को रहे हो, गलत आदमी है, पूरी दुनिया कमाना बंद कर दे। अगर आज रिलायंस विलायंस सब चले जाए यहाँ से, आप खड़े कर लो, पूंजीवाद की जरूरत ही नहीं, जनता आपस में परिवार जो बात जरूरत आप कर रहे हो, क्योंकि पार्टी तंत्र में हो, मैं तो बार बार था, जो जनता सरकार आएगी यही पूंजीवाद आपको उदार पूंजीवाद नजर आएगा, यही पूंजीवाद उदार पूंजीवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। आप भी दुश्मन देख रहे हो उसको, अपना समझ नहीं रहे हो, जो फैक्ट्री लगा रहे हो मजाक कर रहे हैं क्या? कितना कर्जा, कितना लोन, कितने में घाटे से घाटे में तो आप लीजिए। आपसे मैं आपसे एक अमीर पूंजीपति घाटे में चले गए, अंत में मैं आपसे आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप आध्यात्मिक पर बहुत लिखे हैं, मैं अंत में आध्यात्मिक बात पे कंक्लूड करता हूँ कि मैं एक योग करने वाला व्यक्ति हूँ, योग सिखाता हूँ, हमारी प्रौढ़ की व्यवस्था में 100% लोग योगा योग प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि ये 99% स्पिरिचुअलिटी से हम सब प्रेम की, जब परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार तो प्रेम से चलता है, प्रेम मतलब आध्यात्म होकर। अब इस आध्यात्मिक व्यवस्था में जो हम लोग सेटअप कर रहे हैं यहाँ पार्टी की, बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए इस पूरी प्राउड की व्यवस्था को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे भगवान शिव के जमाने से पूरी प्लानिंग और पूरे विश्व को परिवार के रूप में आएगा, और उसकी व्यवस्था कहाँ वाले इस व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति अगर वो आध्यात्मिक आप बताइए और गैर आध्यात्मिक क्या? गैर आध्यात्मिक कुछ होता है, मनुष्य आध्यात्मिक होता है, तो आध्यात्मिक पूरा है, पूरा फैला हुआ है, मतलब मैं भगवान के अंदर हूँ और भगवान मेरे अंदर है, यही आता है भगवान, यानी यह सार्वभौमिक सत्ता या विराट व्यापक सत्ता या पूरा विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व और हमारा एक अस्तित्व, दोनों एक, हम और आप एक हैं, मैं और ब्रह्म एक सत्ता है, इसको आध्यात्म कहते हैं, यानी मैं और आप अंतर नहीं है, पूरा एक परिवार है, यह आध्यात्मिक जोड़ना, योग का अर्थ होता है संयोग, वही आप हो वही वो है, जुड़ कौन रहा है? जीव आत्मा और परमात्मा। जीव आत्मा कहां से आ गया? अभी तक आपने ये बोला कि जो आप है वही हम है, जी हाँ, अलग है नहीं, ये होना चाहिए, होना चाहिए ना, अगर आप अलग है नहीं क्या? देखिए जैसे अद्वैता द्वैत अद्वैत, अद्वैत का अर्थ है कि भगवान ही एक है और कुछ नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर विकृति आती है, कैसे विकृति आ गई? विकृति व्यवस्था में विकृति कैसे आ गई? एक अद्वैत है, उसको बोला है कि अकाट अशोष अचेत अभेद परमानंद सत्यम शिवम सुंदरम आया सत्यम शिवम सुंदरम ऐसा पूर्ण ब्रह्म ये है,
कितना चाहिए। इसका मतलब अभी अलग नहीं, आपके हिसाब से सब ठीक है, सब एक है, कोई आप नहीं कर रहा। दोनों अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अद्वैत में होना है हमें प्रतिष्ठित, लेकिन अभी आदमी अपने अहंकार के कारण अपने इंद्रिय सुख के कारण अगर एक ब्रह्म है जब उसमें चक्र में आदमी अपनी सत्ता को जब उस ब्रह्म से अलग करना है, कैसे अलग करता है ब्रह्म से अलग, ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकते आप ही कह रहे हैं अद्वैत है, अब फिर कह रहे हो अलग अद्वैत और अद्वैत दोनों हो जाए, अद्वैत आपने छोड़ देता है नहीं, अद्वैत है अद्वैत सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन इस पृथ्वी पे पृथ्वी में का पृथ्वी तो वही है, पृथ्वी भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है, सारे नक्षत्र ब्रह्म है, सारा ब्रह्मांड ब्रह्म है, इसका मतलब आपके हिसाब से अद्वैत है ही नहीं, आप ही कह रहे हो नहीं कह रहा हूँ अद्वैत मान लो, मैं नहीं कह रहा हूँ अद्वैत मान लो, मैं कह रहा हूँ अद्वैत, सुनिए ठीक से परिभाषा अध्यात्म की, अद्वैता द्वैत अद्वैत यार इसको कृष्ण मत को विशिष्ट अद्वैत भी है नहीं, अद्वैता द्वैत भी है, अद्वैत अद्वैत मैं बताता हूँ आपको अद्वैत, अरे भगवान कर रहे हो आप तो भगवान मान ले तो सब आपको भगवान मान ले क्या आप भगवान नहीं मान रहे तो ब्रह्मा में था मैं, देखिए आप बोले आप ही ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं दुनिया ब्रह्म है आप बोलते हो मान लो क्या, देखिए ये सभी में अलग है, देखिए देखिए जैसे आप स्टडी करते हो मैं भी स्टडी करता हूँ, आपको अनुभव हुआ क्या एकात्म का, बिल्कुल है, अगर आपको एकात्म अनुभव हो तो ऐसा बात नहीं करने, अब आपने क्या कह आप ही कह रहे हो एक बार कि आप भगवान बन जाओ, एक तरफ बोलते हो अद्वैत भी हो, एक तरफ बोलते हो अद्वैत हो, एक बात तो वार्तालाप को पूरा होने देना कूद करके आप सामने वाले को काट दीजिएगा, काटना पड़ता है, आप शंकराचार्य नाम सुना है, शास्त्रार्थ का मतलब ही काटना होता है, नहीं तो शास्त्रार्थ क्या मतलब, एक वार्तालाप जब काटेंगे नहीं तो एक चीज कैसे स्थापित हो जाएगी, देखिए या अहंकार बोलो नहीं तो अहंकार हो गया अद्वैत हो गया, अद्वैत नहीं रहा अहंकार सही, चलो देखिए ये अहंकार सही, अगर हमको ये अहंकार है मैं दुनिया को बढ़िया बनाऊंगा तो मैं तो अच्छा अहंकार मानता हूं, निरहंकारी क्या करेंगे हम उनको, कल एक अहंकारी आदमी है बोले मैं जनता की सरकार बना के रहूंगा, मैं उस अहंकार का स्वागत करता हूँ, जो बोलता है मैं तो दुनिया से निर्लिप्त हूँ भैया मैं कुछ नहीं करूँगा, मर जाओ दुनिया मर जाए हमको लेना देना नहीं है, इसको अहंकार नहीं बोलते इसको आत्मविश्वास, हेलो आपने विश्वास बना दिया, फिर अहंकार क्या है, अहंकार यह है कि जब आप उस बात हो रही होती है तो उस बात को आप होने नहीं देने और बीच में आप अपनी बात घुसाते हैं, इसीलिए इसको अहंकार कहते हैं, अहंकार नहीं है इसको शास्त्रार्थ कहते हैं, आपकी बात जब कटती है शंकराचार्य ने क्या किया था, बात पूरा होने देना नहीं काटना, बात पूरा होने देना नहीं काटना, देखिए बात कैसी होती है जब आप आला बदलोगे, जब मैं इधर पकड़ूंगा तो आप इधर आ जाओ, इधर इधर चले जाओ तो रोकना पड़ता है, मेरे को पहले बताओ कहाँ रहोगे, तब बात जैसे आप अपनी बात करो, मैंने ये बोला जब तक सरकार बनाओ तो जरूरत नहीं पड़ेगी करने की।